क्या आप जानते हैं कि दुनिया का इकलौता रंग बदलने वाला फूल कौन सा है जो सुबह सफेद रंग का होता है और दोपहर में गुलाबी रंग का हो जाता है? ये मेरा कुछ साल पुराना रंग बदलने वाला गुड़हल का पौधा है, जिसे स्थल कमल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका इंग्लिश नाम हिबिस्कस म्यूटेबिलिस है। इसको कटिंग से उगाने के लिए मैंने 10-15 mm मोटी दो टहनियां काट ली हैं। अब मैं इसकी कलम तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए मैं टहनी को साफ करके 6 से 8 इंच लंबे हिस्सों में काटूंगा। अब मैं कटिंग्स को नीचे की तरफ से 45 डिग्री पर काट कर साफ कर रहा हूँ, जिसे छाल के नीचे वाली कैम्बियम लेयर बाहर आ जाती है और कटिंग में रूट्स उगने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने 5 से 6 अच्छी कलम तैयार कर ली है। कटिंग को लगाने के लिए मैं कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कटिंग में रूटिंग हार्मोन लगाकर उन्हें कोकोपीट में 2 इंच गहरा लगा दिया है। रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करने से रूट्स ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। रंग बदलने वाले गुड़हल को कटिंग से उगाने का सबसे अच्छा समय सितंबर अक्टूबर का होता है। अब मैं कटिंग्स को प्लास्टिक बैग से कवर करके छाया में रख दूंगा, जब तक नए किल्ले निकल नहीं आते। उसके बाद ऐसी जगह शिफ्ट कर दूंगा जहां सुबह के कुछ घंटे धूप आती है। सीधे 3 महीने बाद का अपडेट। 7 में से 3 कटिंग्स पर बहुत अच्छी रूट्स ग्रो हुई हैं, जिन्हें मैंने अलग अलग लगाने के लिए साफ कर लिया है। कटिंग्स को मैं 5 इंच के गमले में लगा रहा हूँ। कटिंग्स लगाने के लिए मैं मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और रेत के मिक्सचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।